आज हमारे पास ऐसे टेलीस्कोप्स हैं कि हम अपने यूनिवर्स को मोटे तौर पर मेजर कर सकते हैं, और हमने यह पता भी किया है कि हमारी अर्थ नॉर्मल साइज का एक ग्रह है जो सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, और सन जिसे हम सबसे बड़ा मानते थे वह भी मिल्की वे गैलेक्सी का एक नॉर्मल स्टार है। और इस यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी की ही तरह लाखों गैलेक्सीज मौजूद है, और हमारा ये यूनिवर्स गैलेक्सीज का एक विशाल ग्रुप है। तो हो सकता है कि कहीं कोई दूसरा यूनिवर्स भी हो जहां अर्थ जैसा ही कोई दूसरा ग्रह हो जहां जीवन मौजूद हो, या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा यूनिवर्स हो जहां जीवन की कोई अलग ही परिभाषा हो। आज के वैज्ञानिक यहां तक मानते हैं कि यूनिवर्स एक नहीं बल्कि अनेक है। इसके पीछे उनका यह तर्क है कि स्पेस का कोई ओर छोर नहीं है, इसलिए एक से अधिक यूनिवर्स होने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। पर आखिर हम यह कैसे कह सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स अनेक यूनिवर्सों में से एक है? अनेक यूनिवर्स होने की बात सदियों से चली आ रही है। सबसे पहले मिस्र के क्लोडियस टालेमी यह मानते थे कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है। उसके बाद निकोलस कोपरनिकस ने उनकी बात को ठुकराते हुए यह बताया कि अर्थ सन के चारों तरफ परिक्रमा करती है और अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है। आगे जियोर्डानो ब्रूनो ने बताया कि सन एक स्टार है और यूनिवर्स में ऐसे अनगिनत स्टार्स मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि स्पेस इनफाइनाइट है तथा हमारे सोलर सिस्टम की तरह अनेक और भी सोलर सिस्टम इस यूनिवर्स में मौजूद हैं, और 18वीं सदी आते आते दूसरे सोलर सिस्टम होने की बात ब्रूनो की कल्पना को सामान्य रूप से अपना लिया गया, जिससे सन का यूनिवर्स में विशिष्ट स्थिति पर खतरा मंडराने लगा। यह तब और भी स्पष्ट हो गया जब यह पता चला कि सन भी हमारी गैलेक्सी के अरबों स्टार्स में से एक है और यह वहां भी सेंटर में नहीं है। जब मॉडर्न टाइम में यूनिवर्स की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत की खोज हुई, तब लोगों को यह लगा कि हो ना हो हमारी गैलेक्सी ही यूनिवर्स के सेंटर में है, जो एक महाविस्फोट का सेंटर बनी। बट ऐसा भी नहीं है, और ऐसा तभी पता चलेगा जब हम देखेंगे किसी अन्य गैलेक्सी से हमारा यूनिवर्स कैसा दिखाई देगा। इस नए व्यू से सभी गैलेक्सीज दूर भागती हुई दिखाई देगी, इसलिए आज कोपरनिकस के रिजल्ट्स का कोई मतलब नहीं रह गया। और वास्तव में कोपरनिकस के सूर्य केंद्रीय सिद्धांत ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी मांग उठाई जैसी कभी उठाने की कल्पना भी नहीं की गई थी। इसलिए वैज्ञानिकों को लगने लगा कि इनफाइनाइट यूनिवर्स के स्पेस में यह आवश्यक नहीं है कि एक ही यूनिवर्स हो। इस सामान्य तर्क से एक से अधिक यूनिवर्स होने की बात को बहुत अहमियत मिली। एक से अधिक यूनिवर्स होने की बात के बारे में अक्सर यह दावा किया जाता है कि इसकी जानकारी हमारे वेदों में भी है, और हाँ ये सच भी है, बट वेदों में इसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। वहीं वर्तमान में जो वैज्ञानिक अनेक यूनिवर्स होने का दावा करते हैं उनके पास इसका मैथमेटिकल प्रूफ मौजूद है, इसलिए अनेक यूनिवर्स होने की बात आज के साइंटिस्ट की बातों और वेदों में सिमिलर दिखाई देती हैं। साइंटिफिक व्यू से एक से अधिक यूनिवर्स होने की बात सबसे पहले अमेरिकी फिलोसोफर और फिजियोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने वर्ष 1895 में कही। उन्होंने एक से अधिक यूनिवर्स के लिए सर्वप्रथम मल्टीवर्स शब्द का उपयोग भी किया। हमारी यूनिवर्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति आज से 13,70,000,000,000 वर्ष पहले बिग बैंग नाम के महाविस्फोट से हुआ था। कहा जाता है कि हमारा यूनिवर्स एक बहुत ही छोटे पॉइंट में मौजूद था। किसी अज्ञात कारण से इसी छोटे पॉइंट में एक तीव्र विस्फोट हुआ, जिससे इसमें मौजूद मटेरियल इधर उधर बिखर गया। इस स्थिति में किसी अज्ञात कारण से अचानक यूनिवर्स का विस्तार शुरू हुआ।
और फिजिसिस्ट एलन गुद के अनुसार ब्रह्मांड महाविस्तार की स्थिति से भी गुजरा, जिसका मतलब यह है कि यूनिवर्स का यह विस्तार आज के वर्तमान विस्तार दर की तुलना में बहुत ही तेजी से हुआ था, जिसको आज का साइंस भी समझाने में समर्थ नहीं है। परंतु वैज्ञानिकों का यह मानना है कि शुरुआती यूनिवर्स में अलग अलग एरियाज के फैलाव की दरें भी अलग अलग रही होंगी, जिससे अलग अलग यूनिवर्स भी बने होंगे, जिनमें फिजिक्स के रूल भी अलग अलग रहे होंगे। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इन यूनिवर्स के बीच का स्पेस इतनी तेजी से फैल रहा है कि इन यूनिवर्स में किन्हीं दो यूनिवर्स को कॉन्टेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तक कि यदि कोई मैसेज प्रकाश की गति से भी भेजा जाए तो भी नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं भले ही यूनिवर्स अलग अलग हो, पर वे हमेशा ऐसा नहीं रहेंगे। फ्यूचर में एक ऐसा भी टाइम आएगा जब वो एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। स्ट्रिंग थ्योरी जो 10 डायमेंशन की बात करता है, उसको भी जब महाविस्तार सिद्धांत से मिलाया जाता है तो वह यह भी बताता प्रतीत होता है कि एक मल्टीवर्स में कई छोटे यूनिवर्स भी मौजूद हो सकते हैं। वैसे अनेक यूनिवर्स होने से पहले दो सवाल खड़े होते हैं। पहला यह कि बिग बैंग तो एक ही बार हुआ था, तो दूसरे यूनिवर्स कहाँ से आए, और दूसरा यह कि फिजिक्स के रूल्स ऐसे ही क्यों हैं जैसा हम जानते हैं। पहले का उत्तर यह है कि मल्टीवर्स के अनुसार इनफाइनाइट टाइम्स बिग बैंग हुआ था, जिससे नए नए यूनिवर्स बने होंगे, तथा दूसरे का उत्तर यह होगा कि फिजिक्स के रूल की भी इनफाइनाइट संभावनाएं बनी होंगी, और हमारे यूनिवर्स के फिजिक्स के ये नियम इनफाइनाइट रूल्स में से एक हैं। यदि हम मान ले कि वास्तव में ऐसे यूनिवर्स का अस्तित्व है, तो हो सकता है कि वहाँ जीवन भी हो, या दिलकश ख्याल भी हमारे अपने जैसों को ढूंढने के लिए विचलित कर देता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने अनेक यूनिवर्स होने की संभावना को लेकर कई प्रकार के सिद्धांत विकसित किए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। पैरेलल यूनिवर्स का आइडिया सबसे पहले वर्ष 1954 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हुग एवरेट ने दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे अपने यूनिवर्स की तरह कई दूसरे पैरेलल यूनिवर्स मौजूद हो सकते हैं, और वो सभी यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से संबंधित हो सकते हैं। एवरेट की इस बात का वर्षों तक मजाक उड़ाया जाता रहा, लेकिन जब थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट मैक्स टैगमार्क ने क्वांटम सुसाइड नाम का थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट प्रस्तावित किया, तभी से इसको गंभीरता से लिया जाने लगा। सामान्य भाषा में इस थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट के अनुसार एक व्यक्ति अपने सिर पर बंदूक ताने बैठा रहता है, वह व्यक्ति घबराहट में बंदूक का ट्रिगर दबाता है, ट्रिगर दबाते ही यूनिवर्स का डिवीजन दो रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक यूनिवर्स में गोली चल जाती है और वह व्यक्ति मर जाता है, तो दूसरे यूनिवर्स में गोली नहीं चलती और वह व्यक्ति जीवित बचा रहता है। पैरेलल यूनिवर्स के अकॉर्डिंग किसी भी काम के सभी संभव परिणामों के अनुसार यूनिवर्स का
और जिस दिन साइंटिस्ट के पास इसका मैथमेटिकल इक्वेशन प्रूफ के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी हाथ लग गया, उस दिन मल्टीवर्स थ्योरी सच साबित हो जाएगी और हम अपने अलग अलग वर्जन से मिल पाएंगे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या सच में मल्टीवर्स मौजूद है? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।